ये लोग कह रहे हैं कि ये कहीं पर नहीं बन सकता, उसका टायर कहीं पर नहीं मिल सकता। जैसे आपने लास्ट से लास्ट व्लॉग में देखा, मैं और मेरी वाइफ हमारे इस बच्चू महाराज का घोड़ा ठीक करने गए थे, जिसका पैर जो है वो टूट गया था, लेकिन वो कहीं पर भी बना नहीं। ऐसा कहा गया कि वो घोड़े को भंगार में बेचना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं बन सकता, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि वो घोड़े को रखेंगे हमारे बच्चे की याद में, वो बड़ा होकर देखेगा। लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया कि हम कोशिश करेंगे उसे बनाने की। लेकिन हमारे पास है ये टायर, ये 2 MCL के पैकेट और ये थोड़ी सी फेविस्टिक, फेविक्विक जो भी है, इनकी मदद से हम कोशिश करेंगे टायर जो है वो गाड़ी में जुड़ जाए और बच्चे जो है वो अच्छी तरह सफलता से खेल सके। ये है वो टायर जो निकल गया, पता नहीं इसका ये जो पार्ट है ये पोर्शन टूट गया और ये कहीं पर नहीं मिल सकता टायर। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 MCL है बड़े बड़े पैकेट्स, इसे मिक्स करेंगे और इसके अंदर फिल करेंगे। किशोर को, किशोर अंदर डालो, फिल करके इसको इसमें भरेंगे, कैसे ना कैसे इसको फिल करके ये टायर को इसमें अटैच करेंगे। अब पता नहीं ये सफल होगा नहीं होगा, मैं नहीं जानता। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई दूसरी साइकिल नहीं करने गया, कोई दूसरी गाड़ी नहीं करने गया, लेकिन बस मेरी इच्छा है कि ये जो गाड़ी है ये बन जाए और बच्चे लोग इसको चलाए, या कम से कम बनकर रहे तो सही है। अभी प्लान मेरा ऐसा है कि इसमें पहले MCL भरेंगे, जो छोटा सा गैप है इसमें फिल करेंगे, तो ये जो पोर्शन है ये चिपक के रह जाएगा। ये पोर्शन तो अच्छी तरह फिट हो चुका है, जैसा आप लोग देख सकते हैं, गिर रहा भी नहीं है। अब बारी है इस पोर्शन को इसमें फिट करने की, इस तरह। फाइनली मैंने एक प्यारी सी अच्छी सी मोटी लेयर अंदर क्रिएट कर दी है, पूरा क्लियरली आप देख सकते हैं, जो पूरा एम्प्टी गैप था यहाँ 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 ये पूरा फिल कर दिया है, यहाँ पर भी कोने कोने में लगा दिया है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम जस्ट गोना पुश दिस टायर हार्ड, जितना हार्ड हो सकता है उतना हार्ड पुश करूँगा मैं। ओके या चारों तरफ से इक्वल साइज करना होगा मुझे। अभी देखो ये बन तो रहा है, अब इसका असली टेस्ट तो ये बच्चे लोग बैठने के बाद ही होगा। बट आई हैव फ्यू मोर प्लान्स व्हाट आई एम गोना डू आफ्टर दिस। ये जो फेविक्विक है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा दबा करके छोड़ दूंगा, ताकि जो भी थोड़ी बहुत कमी बची है वो भी ठीक हो जाए। इसे हमने थोड़ा इस पोजीशन में रख दिया है ताकि इसके ऊपर प्रेशर बने। इन बच्चे लोगों ने भी कुछ किया है यहाँ पर, पूछते हैं भाई ओ इंजीनियर साहब क्या किया आपने, क्या टूट गया था, दिखाओ मुझे, समझाओ जरा। पुलिस, पुलिस मार दिया? हाँ। तो आपको नो डॉक्टर? हाँ। पुलिस ने क्यों मारा उसे? उसे मारने पहना था, मास्क नहीं पहना था। अच्छा, तो बाहर घूम रहा था बिना मास्क के इसलिए मारा? दोनों ठुल्लू राम जरा इधर देखो एक बार। इसने मास नहीं पहना था इसलिए मारा ठुल्लू राम। अब हो तो गया भाई, ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान हो गई है। अब ये बना है नहीं बना है वो मुझे नहीं पता, असली टेस्ट जब ये सूख जाएगा और सूखने के बाद जब कोई बच्चे बैठेंगे, जब सोसाइटी में बैठेगा लड़का लड़की बैठेगा सोसाइटी में, तो घोड़ा वगैरह एकदम रेडी करके हम लोगों ने साइड पे रख दिया है ताकि वो अच्छी तरह सूखे। होप सो कि कल सुबह तक मैं उसे सूखने दूंगा और फिर एक ट्रायल करेंगे सोसाइटी में निकल के बच्चे को बिठा करके कि घोड़ा अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा, उसका टायर अच्छे से चिपका है नहीं चिपका। अभी ये बच्चा पार्टी आई और हम भी आए थोड़ा सा गार्डन में कुछ एंजॉयमेंट करने के लिए, मजे लेने के लिए, और कुछ सामान भी खरीदेंगे इसके बाद, तब तक के लिए एंजॉय करते हैं। देखो इधर, अब मजा करो ठीक है, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी कृष्णा। जाओ धीरे 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 जाओ 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 जाओ, सोल्जर हो आप, सोल्जर कौन हो? सोल्जर आ जाओ नीचे, वैसे ही टुल्लू राम मेरा। अरे 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 भागो कृष्णा। मेरे पास एक बहुत अच्छा गेम है आप लोगों के लिए, खेलोगे? कौन कौन रेडी है गेम खेलने के लिए? ठीक है थोड़ा ऊपर जाओ, आप डरोगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं।
आप डरोगे तो नहीं? नहीं। खुशी, क्या आप डरोगे? नहीं। प्रॉमिस करो मुझे, सोच लो। एक आखिरी मौका सबको दे रहा हूँ मैं। अंजलि, कृष्णा, खुशी, क्या इसमें आपको कुछ डरावना नहीं लगता अंजलि? चलो आप लोग बहुत डर रहे हो, सब लोग चलो, बहुत डर रहे हो, बहुत। नहीं नहीं नहीं, गेम खत्म, गेम खत्म। आज की ये कहानी यही समाप्त करते हैं, इस कहानी को और आज के इस दिन को यही समाप्त करते हैं। नहीं, बने रहिए हमारे साथ अगली कहानी के लिए। तब तक के लिए अलविदा।